गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के ब्लॉग में। और आज हमारे दुकानदार साहब आए हैं, छोटे दुकानदार साहब गोलू भैया, और रात एक साथ सारा पैसा निकाल लिए हैं तिजोरी से। दुकान का बिक्री नहीं हुआ है, श्री गणेश नहीं हुआ है, पैसा सब निकाल लिए हैं। कह रहे इसे साइकिल आ जाएगा, साइकिल आ जाएगा गोलू इसे। हाँ अब देखते हैं आज का बिक्री क्या होता है। दो तीन दिन से तो बिक्री नहीं हो रहा है। अपना पॉकेट में रख लें सारा पैसा। देखते हैं आज का क्या आ रहता है पोजिशन दुकान का। दो तीन दिन से बिक्री नहीं हो रहा है इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। आ जाएगा ब्लॉग। चलिए आगे कॉल देते रहेंगे आप लोग। नवादा पहुंचने वाले हैं। कुछ नज़ारे रोड का भी देखते हैं। यह है नवादा का नया बस स्टैंड बुधौल। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, नया बस स्टैंड है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में ये बना हुआ है। नवादा बिहार पटना के लिए यहाँ से बस मिलेगा, नवादा से बिहार पटना के लिए। नवादा में तो ये बस स्टैंड है और बगल में ये फोर लेन, ये अभी बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्लाई ओवर क्रॉस करेगा यहाँ से, तो साइड से नीचे से जिनको आना है तो ये इस साइड से आ सकते हैं। पटना के लिए बस निकल रहा है, बिहार शरीफ से बस आ रही है और यहाँ पे ये रुकेगी। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, समस्या को लेकर के साइड में बनाया गया है ऐसे। ये पहले आपका नवादा टाउन में था और एक हिजवा बस स्टैंड, सबको यहीं कर दिया गया है। यहाँ से गया के लिए भी आपको बस मिलेगी। ये आपका नवादा से बिहार रोड में है, गोंदापुर से हाफ किलोमीटर के आसपास बुधौल है। बुधौल के पास ही ये बस स्टैंड है। यहाँ से आपको नवादा से आपको गया बिहार पटना के लिए बस मिल जाएगी। ये नया बस स्टैंड है। चलिए फिर चलते हैं। मेरी धन्नो खड़ी है, इसको मैं यहाँ ही छोड़ के गया था, फिर चलते हैं। चलिए धन्नो चलते।
फाइनली मैं अपने रूम पे आ गया और आज मैं शेविंग करा लिया हूँ। चेहरा देख के हंसी छूट रही है। पहले मैं बियर्ड रखता नहीं था, बट फर्स्ट टाइम मैंने रखा 15-20 दिन, उसके बाद मैंने शेविंग किया तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसी छूट रहा है देखने के बाद। आज हमारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर मीट था नवादा में होटल में, और उसी के लिए मैं आज नवादा गया था। नवादा गया और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कॉन्ट्रैक्टर मीट हुआ, उसके बाद खाना हुआ, फिर सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर किया गया। डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट करने के बाद फिर वापस हम घर चला है। शाम को 6:30 बज रहे हैं, मैं अपने घर पे हूँ और चाय वगैरह हो गया है। बहुत दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा है, थोड़ा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं अच्छा वीडियो बनाता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।